हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे एयर प्यूरीफायर प्लांट जिसे हम घर के अंदर लगाकर हमारे घर की एयर को क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ही कॉमन प्लांट हैं, जैसे कि बड़े शहरों में छोटे छोटे से फ्लैट और अपार्टमेंट होते हैं जहाँ एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स, और घर के बाहर भी जगह ना होने के कारण वो पेड़ पौधे नहीं लगा पाते, तो उसकी वजह से एयर क्लीन प्यूरीफाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हमें एयर क्लीनिंग प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एकदम नॉर्मल कॉमन प्लांट में शेयर करूँगी जो बहुत ही सस्ते रेट में हमें नर्सरी में मिल जाता है, और इन प्लांटों की बहुत ही कम केयर में हमारा ये प्लांट सालों साल तक चलता रहता है। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, इन प्लांटों से हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए फ्रेंड्स, पिक्चर और नेम मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लांट के। तो सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स ये रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट से हमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ये पूरे 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता रहता है। और हमारे घर की बहुत सारी जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम किचन में खाना बनाते हैं उससे भी बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, तो ये प्लांट पूरी तरीके से सोख लेता है, हमारे घर की एयर प्यूरीफाई बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। और एक बार अगर ये प्लांट आप लेके आते हैं फ्रेंड्स, इस प्लांट की कटिंग से हम ढेरों सारे प्लांट घर में फ्री में भी तैयार कर सकते हैं। इस मानसून में इनकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। नेक्स्ट प्लांट है एरिका पॉम। एरिका पॉम बहुत ही हार्डी एवर ग्रीन प्लांट है फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इसे अपने घर में ऐड कर दिया तो कभी ना ख़राब होने वाला ये प्लांट हैं। और मानसून में इनके बहुत सारे बेबी प्लांट इनके नीचे से निकलता है, तो उनसे भी हम अलग करके बहुत सारे फ्री में प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, ना धूप की ज़रूरत होती है, ना रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। नॉर्मल गार्डन सॉइल में इस प्लांट को ला के आप लगा दीजिए और ये प्लांट सालों सालों तक चलता रहा, हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है स्नैक प्लांट। देखने में बहुत ही सुंदर एक प्लांट होता है, इनके लीव्स से और इनके बेबी प्लांट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्लांट को। इस प्लांट को ना धूप की ज़रूरत होती है, ना इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और केयर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्लांट को ज़रूर लाइए अपने घर में। नेक्स्ट प्लांट है गोल्डन साइफर। देखने में बहुत ही सुंदर एक प्लांट होता है फ्रेंड्स, ऑर्नामेंटल प्लांट। इस प्लांट को आप ज़्यादातर देख सकते हैं गार्डन में, बड़े बड़े गार्डनों में लगाते हैं, या किसी के घर के सामने गार्डन है तो वहाँ पर भी लगाते हैं। इस प्लांट को आप मॉल में देख सकते हैं, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, कहीं पर भी इंडोर में इन प्लांटों को लगाया जाता है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई प्लांट होती है फ्रेंड्स, तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ जो प्लांट हैं फ्रेंड्स, हम घर में तो लगाते हैं लेकिन हमें इनका यूज़ पता नहीं होता कि ये प्लांट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्लांटों को हम ज़रूर लगाएं घर पे, और जिन्होंने नहीं लगाया वो भी लगाइए आप अपने घर में। नेक्स्ट प्लांट है ये लक्की बैम्बो। बैम्बो भी बहुत ही अच्छा है, एक ईयर प्यूरीफाई प्लांट होती है फ्रेंड्स, इनकी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। तो इन प्लांटों को अगर आप कभी धूप ना दे तो भी चलने वाला ये प्लांट है, और इसे इंडोर में और आउटडोर दोनों साइड चलने वाला प्लांट है। तो इनके बेबी प्लांट्स भी अभी तैयार हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं मानसून में इनकी कटिंग से ग्रो करूंगी। कम केयर में बहुत ही दिनों तक चलने वाला ये प्लांट है फ्रेंड्स। इनकी एक वैरायटी होती है जो पानी में चलती है फ्रेंड्स, वो घर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो हमारी एयर प्यूरीफाई के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है ये क्रोटन। क्रोटन भी देखने में एक ऑर्नामेंटल रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट होता है, फूलों की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये प्लांट हमारे एयर प्यूरीफाई के लिए कितना अधिक इम्पॉर्टेंट है। घर में ज़रूर लगाते हैं बहुत लोग, लेकिन इनकी वजह से जो हमें फ़ायदा होता है वो नहीं पता होता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, इनकी छोटी छोटी सी कटिंग भी बहुत ही ईजी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये चाइना पाम। चाइना पाम बहुत ही एक हार्डी प्लांट है, बिना धूप में चलने वाला और धूप में भी, कड़क धूप में भी चलने वाला ये प्लांट है। अगर घर के अंदर आप लगाएंगे बाहर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया।
फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं इस प्लांट को, और इसे परचेस करके भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये सप्लेरा या इसे अम्ब्रेला ट्री भी बोलते हैं। इनकी बहुत सारी वेरीगेटेड लीव्स भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ये एयर प्यूरीफाई के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है, इंडोर आउटडोर दोनों साइड चलने वाला बहुत ही सुंदर एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है फ्रेंड्स। और इस प्लांट को मैं जब से लेके आई हूँ 5 ईयर्स हो गया, तो यही रखा है मैंने यहाँ। मॉर्निंग की बहुत ही अच्छी लाइट मिल जाती है इस प्लांट को, और कभी ना ख़राब होता है ये प्लांट मेरा। और नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट इंडोर में चलने वाला बहुत ही अच्छा है, ये कम केयर वाला प्लांट है फ्रेंड्स, इसे घर में ज़रूर ऐड करें। और स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाई प्लांट है, ये ड्रेसिना का मर्जेंटा फ्रेंड्स। ऑर्नामेंटल प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, घर में बहुत ही सुंदर ये रौनक देती है। और इन प्लांटों को आप लिविंग रूम में, बेडरूम में, ड्राॅइंग रूम में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनिया। सिंगोनिया बहुत ही अच्छा एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इनकी बहुत सारी वैरायटी फ्रेंड्स हमें नर्सरी में मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इन प्लांटों को हम कटिंग से ढेरों सारे प्लांट किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं, कभी ना ख़राब होने वाला ये प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। और ये है दूसरी मेरी वैरायटी, इनकी बहुत सारी वैरायटी मैंने कलेक्ट कर रखा है क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बेडरूम में भी इन प्लांटों का यूज़ करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, इनसे हमें ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और इन प्लांटों का आप भी यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, अपने घर में ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट प्लांट है वाटर मिलन पीलिया। फ्रेंड्स देखने में बहुत ही सुंदर प्लांट है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये प्लांट हमारे लिए इतना ज़्यादा लाभदायक है, इतनी अच्छी मात्रा में हमें ऑक्सीजन देती है, और हमारी घर की दूषित हवा को भी ये नष्ट कर देती है, अपने अंदर सोख लेती है और हमें शुद्ध हवा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्लांट है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, इंडोर आउटडोर दोनों साइड चलने वाला प्लांट है, और एवरग्रीन प्लांट है फ्रेंड्स, कभी ना ख़राब होता है ये प्लांट। और बहुत अच्छी बात है कि इनसे बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारा एयर प्यूरीफाई होती है, तो इन प्लांटों को ज़रूर लगाइए। जितने भी प्लांट मैंने आज आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन प्लांट हैं, छोटे से बड़े नर्सरी में बहुत ही अच्छे रेट में ये प्लांट हमें मिल जाता है 20 से 50 रुपीज़ के अवर, तो इन प्लांटों को ज़रूर लगाइए। और कुछ प्लांटों की कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।